रिंकू सिंह से आईपीएल में 5 छक्के खाने वाले गुजरात के गेंदबाज यश दयाल इस्लामोफोबिक पोस्ट को लेकर लगातार ऐसे लॉजिक दे रहे हैं जो गले से नहीं उतरते। यश दयाल ने लव जिहाद को लेकर एक ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की जो हिंदू लड़कियों को संदेश देती है कि मुस्लिम युवक कैसे धोखा देते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इसे डिलीट कर दिया और एक और पोस्ट करते हुए कहा, गलती से एक स्टोरी पोस्ट हो गई थी जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कृपया नफरत मत फैलाओ, मैं हर समाज और धर्म का सम्मान करता हूँ। यश दयाल ने पहले तो ये कहा कि गलती से स्टोरी पोस्ट हो गई, लेकिन उसके बाद इस पोस्ट को भी झूठा बता दिया। यश दयाल ने शायद नई कहानी बनाते हुए और एक और स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, आज मेरे इंस्टा हैंडल से 2 स्टोरी पोस्ट हो गई थी जो मैंने नहीं की। मुझे लगता है कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल किसी और ने यूज किया है और ये दोनों पोस्ट की हैं। मैंने अथॉरिटीज को इसकी शिकायत की है। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दोबारा से फुल कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर समुदाय का सम्मान करता हूँ और जो पोस्ट की गई वो मेरे विचार को नहीं दिखाती है। यश दयाल अब कहते हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि 5 छक्के खाने के बाद उनका करियर खत्म सा हो गया है, तो अब धर्म को हथियार बनाकर एक वर्ग के लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वही यश दयाल हैं जिन्हें मोहम्मद शमी ने आईपीएल में गेंदबाजी के गुर सिखाए और जिस गुजरात की टीम में ये शामिल रहे उसमें राशिद खान और नूर अहमद जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। ऐसे में यश दयाल का ऐसा पोस्ट करना हैरान करता है।